दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ जरूर कटता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, उसका पूरा प्रोसेस आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी अचानक से अगर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना पड़े तो ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी प्रोसेस की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर आपको पैसा मिलने में अनावश्यक देरी ना हो। ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल किया जाए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जा सके। तो अगर आप भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की एकदम लेटेस्ट प्रोसेस जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा आसानी से कैसे निकाला जा सकता है और पैसे को कैसे अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों पीएफ के पूरे पैसे को निकालने से पहले आपको एक बार अपनी पीएफ पासबुक को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का कितना बैलेंस है। तो अपनी पीएफ पासबुक को देखने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके आसानी से वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस में से ई पासबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। हाल ही में पीएफ पासबुक पोर्टल के प्रारूप को बदल दिया गया है और पीएफ पासबुक पोर्टल पर पीएफ बैलेंस चेक करने और पीएफ पासबुक को डाउनलोड करने का तरीका भी बदल गया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे होम स्क्रीन पर आपको आपके पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉयर बैलेंस और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन बैलेंस को दर्शाया जाएगा। और अगर आपको मेंबर वाइज बैलेंस जानना है, यानी कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपने अपने पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर नहीं किया है, तो सभी मेंबर आईडी का बैलेंस आप यहीं से जान सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर मेंबर वाइज बैलेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके जितने भी पीएफ अकाउंट है उनका बैलेंस आपको दर्शाया जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी पीएफ पासबुक चेक करना चाहते हैं या फिर पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर पासबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी पूरी पीएफ पासबुक दिखाई जाती है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे यहाँ को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू टैक्सेबल डेटा और डाउनलोड एज पीडीएफ। दूसरे ऑप्शन से आप अपनी पीएफ पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है या फिर गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने यूएन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यूएन नंबर को एक्टिवेट करते समय क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली अपडेट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट की केवाईसी में आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन को चुनना है, अपने डिटेल्स को फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन के जरिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपकी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और यहाँ पर ब्लैंक बुक में अपने अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद इनकी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर्म में अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल एक ही फॉर्म दिखाई देगा, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। और अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से 4 फॉर्म दिखाई देंगे, पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनना है। दोस्तों नौकरी करते हुए अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो वो आप ईपीएफओ द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं, यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा आप अलग अलग उद्देश्य से एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पज को यहाँ पर चुनना है। ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक यहाँ आप अलग अलग उद्देश्य के अनुसार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस पीडीएफ फाइल को आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं आप किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे ईपीएफओ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पीएफ अकाउंट को कैलकुलेट करके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को नीचे भरना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है, ये एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। दोस्तों ये कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी उस बैंक की होनी चाहिए जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है, तो जो भी आप कॉपी अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एकदम विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक और जरूरी बात, दोस्तों पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है और आपके आधार ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल किया जाएगा आपको SMS के जरिए उसका इंटीमेशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।